मैं तो ये जेठालाल जी के लिए कहना चाहूँगा, सरल सरदय व्यक्तित्व हैं ये, और कोई भी वर्ग और कोई भी उम्र का व्यक्ति इनके प्रोग्राम को देखकर हंसता है, गुदगुदाता है। छोटे बच्चों की तो जान है ये, भले वो चल फिर रहे हैं लेकिन उनका हृदय जेठालाल जी के हृदय में धड़कता है। और ये बहुत धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं और बहुत सरल हैं। मैंने जब भी इनको निमंत्रित किया, ये पधारे और इन्होंने इतनी विनम्रता से और इतनी सरलता से सभी को सम्मानित किया। और कहना आसान है कि सरल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, लेकिन बड़े पद पर पहुंचकर आप झुके रहो तो आप आगे बढ़ते हो। तो वो एक व्यक्तित्व है ये जेठालाल जी, सेम है ना दिलीप जोशी जी। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। जय स्वामीनारायण। स्टेज पे उपस्थित सब महानुभाव, गुरुदेव और प्रशांत भैया, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ इस हॉल में पधारे आप सब महानुभाव को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी बात करूँ तो स्वामीनारायण संस्था BAPS जो है उसका एक सत्संगी हूँ, और मेरे गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज है जिन्होंने यहाँ दिल्ली में अक्षरधाम की स्थापना की है, अक्षरधाम बनाया है। उनका एक सूत्र जो मुझे छू गया और उसकी वजह से मैं सत्संग में जुड़ा, वो ये है कि दूसरों के सुख में अपना सुख। ये वाक्य जो है वो बोलने में या सुनने में बहुत आसान है, लेकिन अगर इसको आप अपने जीवन में उतारो तो बहुत कठिन है। क्योंकि आमतौर पे हमारे जीवन में हमेशा हम हमारे बारे में सोचते हैं कि भाई हमारा मेरा क्या है। आप चाहे बिजनेस करते हो या कुछ भी करते हो, आप सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं। हम सब कोई आज के जीवन में ऐसा, या तो फिर ऐसे कोई योगी या संत होंगे जो दूसरों के बारे में सोचते, बाकी आमतौर पर हम सब हमारे बारे में सोचते हैं कि भाई इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, इसमें मेरा क्या है। लेकिन दूसरों के सुख में अपना सुख मानने वाले, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले, ये जो सूत्र है, ये मैं समझता हूँ कि गुरुदेव और प्रशांत भैया ने आत्मसात किया हुआ है। ये सूत्र को इन्होंने अपने जीवन में अपनाया है। ये बिल्कुल ही निस्वार्थ भाव से सेवा करते आए हैं, करते रहे हैं हमेशा इन्होंने। ये आप जो भी वीडियो आज देखे, जो भी, बहुत मुश्किल है लोगों के लिए ये सेवा करना या ऐसा कुछ करना। हम चर्चाएं करते हैं, बातें करते हैं, अलग है, लेकिन वाकई में इन लोगों के लिए कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और ये इतना बढ़िया काम कर रहे हैं नारायण सेवा संस्थान, और उसमें आप लोग तन मन धन से जुड़े हुए हैं। मैं तो कहता हूँ इनका एक जो इनकी सोच है वो आज यहाँ तक इसीलिए पहुँच पाई है क्योंकि आप जैसे जो सरदय महानुभाव है उन्होंने उनको सराहा, उन्होंने उनकी मदद की, और इन्होंने जो ऐलान किया, मतलब मदद की ऐलान किया, और आप सब उसमें जुड़े उनकी मदद करने के लिए। तो मैं आप सबसे बस यही प्रार्थना करूँगा कि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस संस्थान के बारे में बताएं, और जो ये सेवा का कार्य ये लोग कर रहे हैं इनका हौसला बढ़ाए, इनकी मदद करें किसी भी तरह से, तन मन धन जो भी आप जिस तरह से भी आप इनकी मदद कर सके हमें करनी चाहिए, क्योंकि एक आज के ज़माने में बहुत आवश्यक है किसी की मदद करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। क्योंकि सेवा ही मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा वो अंग है हमारे जीवन का जो हमें आंतरिक सुख, आंतरिक शांति देता है। तो आज इस मौके पर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और साथ ही गुरुदेव और प्रशांत भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बस इसी तरह ये लोग अपना ये सेवा का कार्य करते रहें। धन्यवाद। प्रशांत भैया कह रहे हैं कि जेठालाल की आवाज़ में कुछ बोल दो, बस इतना बोला तो देखिए हंस दिया लोगों ने। और क्या कहूं, जय जिनेंद्र। आज देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी यहां आ गई है।
क्योंकि इतने सारे यहाँ बापूजी जैसे सब वडिल मुझे दिख रहे हैं, हमारे सोढ़ी भाई जैसे भी बैठे हैं, तो जैसे कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हम दिखाते हैं कि एक मिनी इंडिया है, हर प्रांत के लोग उसमें बसते हैं, हर प्रांत के लोग उसमें रहते हैं, उसी तरह यहाँ भी हर प्रांत से भारत देश के कोने कोने से यहाँ महानुभाव आए हैं और सेवा का कार्य करते हैं। तो बस इसी तरह आप करते रहो, भगवान आपको लंबी आयु देगा, खुशी देगा, शांति देगा। और जो अविवाहित यहाँ युवान बैठे हैं उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भगवान आपको दया जैसी एक सुंदर सी पत्नी दे और आपके जीवन में कभी कोई बबीता ना आए। जय स्वामी नारायण।